Hey everyone, welcome to my channel. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर मैक्सिमम एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और इंडियन पॉलिटी बिना इन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को समझे अधूरी है। क्योंकि चाहे कोई बिल पास कराना हो, चाहे किसी को इम्पीच करना हो, इन सब चीजों के अंदर अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। मेजॉरिटी का मतलब कि भाई कम से कम कितने लोग वोट करने चाहिए जिससे कि वो बिल पास होकर एक एक्ट बन जाए। तो आज हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मेजरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चार मेजॉरिटी के बारे में मेंशन करता है। इट मेंशंस अबाउट फोर टाइप मेजॉरिटी। पहला एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फिर आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर आता है सिंपल मेजॉरिटी, और उसके बाद आता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। तो इस तरीके के हमें अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी देखने को मिलती है। नाउ गाइज, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव और सिंपल और स्पेशल को समझने से पहले एक और छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो छोटी सी चीज क्या है गाइज? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाउसेस के बारे में बात करें, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात करें, तो हमारे संविधान इनके लिए मेंशन करता है कि भाई इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतने लोग हो सकते हैं, ठीक। दूसरा आती है यहां पर इसके अंदर, उसके बाद आती है करंट स्ट्रेंथ, कि करेंटली कितनी स्ट्रेंथ के लिए चुनाव होते हैं या वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और फिर इसके बाद आती है एक और स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब कि करंट स्ट्रेंथ में से कितने वैकेंसी हैं और उसके बाद हमारे पास कितनी सीटें हैं। तो मैक्सिमम संविधान मेंशन करता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, उसमें से जितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ या नॉमिनेशन हुआ, जितनी करंट स्ट्रेंथ है वो हम लोग देखते हैं, और उस करंट स्ट्रेंथ में से किसी कारण से अगर मान लो वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी वाली हटाकर जो स्ट्रेंथ बचती है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। आई होप ये तीनों तरीके की स्ट्रेंथ यहां पर जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनको दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि ये तीन अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है। Now, जब हम लोग बात करते हैं हमारी संविधान के अंदर मेजोरिटीज के बारे में, तो सबसे पहले हम समझेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नाउ चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखो कि लोकसभा और राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है। तो गाइस याद रखना कि टोटल मेंबरशिप जो लोकसभा के अंदर है ना करेंटली, वो है 552, जिसमें से करंट जो स्ट्रेंथ है वो है 543, ठीक। अब यहां पर बात की जाती है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो करेंटली जो टोटल मेंबरशिप है वो है 543, ठीक। अब 543 का 50% मतलब 271.5, और उससे एक ज्यादा मतलब इनइफेक्टिवली 273, इनइफेक्टिवली 273। तो यहां पर अगर कोई बिल आया है और उसको पास होना है, तो जिस भी हाउस के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 50% का एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी उसको पास कराने के लिए। जैसे मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया, कुछ केसेस जहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है वो है इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट जनरली यूज्ड, बट इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल जनरल इलेक्शन के समय पर होता है जब सरकार बनती है। सरकार बनती है का मतलब
जब कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, जब फ्लोर टेस्ट होता है, जब अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है, उस समय पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया कि भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। चलो अब अगली टाइप ऑफ मेजॉरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली टाइप ऑफ मेजॉरिटी है इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या बात कर रही है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो मैंने यहां पे अभी आपको एक चीज समझाई कि एक चीज होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब कि जो टोटल में से कितनी वैकेंसी है उनको अगर हम लोग माइनस कर दें आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इफ वी डिडक्ट द वैकेंट सीट्स, हम लोग आ जाएंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ के ऊपर। इसका मतलब यह है कि उस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग सिटिंग मेंबर्स हैं वैकेंसी वगैरह हटाकर, कितने लोग सिटिंग मेंबर्स हैं उनका 50% से ज्यादा जो होता है वो कहलाएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे मान लो पिछले अंदर 40+1 के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, 43 जो थी वो थी आपकी भाई उस समय पर कितनी स्ट्रेंथ के लिए चुनाव हुए हैं, कितनी स्ट्रेंथ बची है। मान लो कोई सीटें वेकेंट हो गई किसी कारण से, किसी भी कारण हो सकती है, किसी की डेथ हो गई, किसी को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, तो किसी भी कारण से हो गई, और उस समय पर वो वैकेंसी माइनस करके 243 की जगह मान 543 की जगह मान लो 520 लोग हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इस 520 का 50% प्लस 1 जब हम लोग देखेंगे तो वो कहलाएगी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो वी आर डिडक्टिंग दी वीकेंड सीट्स। तो यहां पर संविधान बात करता है इस चीज को ऑल दी देन मेंबर्स, उस समय पर कौन कौन से मेंबर हैं उनको टोटल ऐड करके उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल राज्यसभा में आउट ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स 45 वेकेंसीज हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई 200, तो 200 हो गई उस समय की इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 200 का 50% मतलब 100, और 100 में एक ऐड कर दो मतलब 101, अगर 101 है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा। अब किन किन कंडीशन में इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है? भाई जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है आर्टिकल 67B के अंदर, उस समय पर इफेक्टिव मेजॉरिटी का जिक्र है। रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके केस के अंदर भी इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगली मेजॉरिटी करते हैं। गाइस हमारी जो अगली मेजॉरिटी है वो है सिंपल मेजॉरिटी। वो सिंपल मेजॉरिटी सबसे बढ़िया है भाई, हाउस में कितने लोग हैं क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। उस समय पर ये वाला बिल आया है, उस समय पर जितने लोग वोट कर रहे हैं, ठीक उस समय पर जितने लोग वोट कर रहे हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, ये नहीं कि बस प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, उनका 50%। अब मान लो अब हाउस में प्रेजेंट तो बहुत सारे हैं पर सिर्फ 100 लोगों ने ही वोट करने का फैसला लिया, तो उन 100 का 50% मतलब 50+1 मतलब 51 लोग अगर जिस चीज की तरफ वोट कर देंगे तो वो चीज बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शनल मेजॉरिटी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल मेजॉरिटी। दिस इज नोन एज फंक्शनल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी इन आर पार्लियामेंट्री बिजनेसेस। जो हमारे जनरल लॉज होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही पास होते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉज
अगर हमारे संविधान में कोई चीज मेंशन नहीं है तो भी यही माना जाता है कि संविधान उस चीज को पास करने के लिए या उसमें कुछ भी कार्य करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का ही जिक्र कर रहा होगा। ऑर्डिनरी मनी फाइनेंशियल बिल्स पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन में भी हम लोग सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज सिंपल मेजोरिटी। नाउ अब राज्यसभा के केस के अंदर दोस्तों हम लोगों ने कौन सी मेजोरिटी का इस्तेमाल किया था? इफेक्टिव मेजोरिटी। बट एज द सेकंड हाउस जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो लोकसभा के पास जाते हैं तो सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के लिए, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वगैरह के लिए अंडर आर्टिकल 368 विच नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट्स इट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। देखो आर्टिकल नंबर 368 वाली मेजोरिटी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके, पर आर्टिकल 368 के अंदर जब स्टेट का रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, स्टेट से रेटिफाई कराया जाता है तो उन स्टेट के अंदर भी उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास होने की जरूरत होती है। सो दीज आर दी थिंग्स जहां पर हम लोग सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। गाइज स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो भी सिंपल एब्सोल्यूट और इफेक्टिव के अलग हैं संविधान के अंदर मेंशन है सबकी सब स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल मेजोरिटी ना चार तरीके की है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ठीक, टाइप वन टाइप की आर्टिकल 249 में मेंशन है, टाइप टू नाम की आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है, टाइप थ्री नाम की आर्टिकल 368 के साथ साथ जो 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है उसके बारे में है, और टाइप फोर आर्टिकल 61 की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट वाली। नाउ आगे बढ़ते हैं, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। नाउ एज पर आर्टिकल नंबर 249 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या चाहिए? 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। For example, if out of 245 members in Rajya Sabha, if only 150 are present and voting, then the special majority requires as per Article 249 will be 101. Now, एक चीज बहुत ध्यान से सुन, ये जो 249 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करना है टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, कि जो स्टेट लिस्ट जो हमारी शेड्यूल नंबर 7 के अंदर है उनके ऊपर पार्लियामेंट को अगर कोई कानून बनाना है तो आर्टिकल 249 के थ्रू उस चीज को पास कराना होता है। यहां पे सिंपल ये है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 की मेजोरिटी की जरूरत होती है अंडर आर्टिकल नंबर 249। ये क्या है? ये स्पेशल मेजोरिटी है, एक तरीके की स्पेशल मेजोरिटी है। ठीक है, चलो। नाउ गाइस 249 के अलावा फिर आता है आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर अगर हम लोग बात करें, इट रिक्वायर्स 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। उस हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव वाली नहीं, उससे पहले वाली, टोटल वाली, टोटल स्ट्रेंथ भी क्वालिफाई होनी चाहिए, और इसके साथ साथ 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग भी क्वालिफाई होनी चाहिए तो ही इसको पास माना जाएगा। ये दोनों सिचुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तभी उसको पास माना जाएगा, और ये जो चीज है आर्टिकल 368 के अंदर ये लग रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। जब हम लोग हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट करते हैं उस समय पर ये लगती है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 के अंदर मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ये लगती है।
टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मान लो जैसे राज्यसभा के अंदर 123 मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए, द बिल शुड बी फेवर्ड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जहां पर आर्टिकल 368 अप्लाई होगा आप देख सकते हो, टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि फेडरलिज्म को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, मतलब जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? इससे अगली वाली जो हम लोग मेजोरिटी पढ़ेंगे, जब सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्पैक्ट करेंगे तो आपको मोर देन 50% ऑफ दी जो स्टेट्स हैं हमारी उनसे भी आपको रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जजेस के रिमूवल में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, ठीक, रिमूवल ऑफ CEC CAG, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 इन बोथ द हाउसेस, रिजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय भी स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल हुआ तो होता है आर्टिकल 368 के अंदर। मूविंग ऑन, स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 368 है उसके साथ जब आपको स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत है, नाउ ये उन केसेस में होगी जब हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है बट हमारे जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन हैं उनके अंदर हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो पीछे आर्टिकल 368 के अंदर हम लोगों ने मेजॉरिटी देखी वो तो आपको पास करानी पड़ेगी पार्लियामेंट में, बट उससे पहले हमारे देश की 50% ऑफ स्टेट उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और इन स्टेट्स के सपोर्ट का मतलब है कि इन स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास कर चुकी होंगी, तभी आप देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप थोड़ा बोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल है द बिल विच इंट्रोड्यूस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक। तब क्या है, हमारे देश की जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो अगर उसके अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन का वहां पर इस्तेमाल हुआ था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था ये कहते हुए कि हमारे सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल को ये, ठीक। चलो मूविंग ऑन, ये लास्ट है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर जो स्पेशल मेजॉरिटी है। आर्टिकल 61 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जब हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो रहा है, इंपीचमेंट मतलब रिमूवल हो रहा है, ठीक, उस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये सबसे खतरनाक मेजॉरिटी है, ठीक, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ठीक। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो कि आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है, ये चार हैं, आप लोगों की ये चारों मेजॉरिटी हो गई। और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं एकदम फटाफट आप लोगों के लिए कवर करा दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। एंड आई होप आप लोग मेरे इंडियन पॉलिटी के पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, और उन पॉडकास्ट को देख के आपकी लगभग 10 से 12 घंटे में पूरी एम लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। ये एग्ज़ाम जो है ना UPSC सिविल सर्विसेज का, ये क्रैक होता है, ये मान के चलो, बस अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है।